हेलो सुनो, मैंने ना तुम्हें दो ड्रेसेस भेजी है, एक बार देखकर बताओ ना कौन सी लूँ। यार, तुम खुद डिसाइड कर लो ना। तुम्हें पता है आई एम इन ऑफिस, आई एम बिजी राइट नाउ। मैं कभी खुद से कुछ डिसाइड करती हूँ? मुझे पता है नहीं करती। तो फिर बताओ ना कौन सी लूँ। हाँ, ये सेकंड वाली कर लो। ठीक है, बाय। यस सर, नो वरीज। यस सर, आई ट्राई टू क्लोज द डील सून। यस, यस सर। थ्री टू फोर डेज। यस यस सर। सर, कैन यू जस्ट गिव मी प्लीज 1 मिनट। हेलो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यार, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, फिर भी तुम बार 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 मुझे फोन करे जा रही हो। हेलो, कौन? मैम, हमने न्यू ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है जिसमें हम केक घर पे डिलीवर करते हैं। भैया, मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना, मेरा कोई बर्थडे नहीं है। मैंने मैम आपके हस्बैंड कहाँ होगा? कहा ना, मेरे यहाँ किसी का बर्थडे नहीं है, और दोबारा कॉल मत करना। हेलो, कौन? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अगर बोलना नहीं होता तो बार बार कॉल क्यों करते हो? हु इज दिस? मैम, मैं प्लम्बर बोल रहा हूँ। आपके घर की टंकी खराब हो गई तो मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। मेरे घर की कोई टंकी खराब नहीं हुई है। मैम, आपने कॉल किया था? मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की है, समझे? अरे आ गए तुम। तुम्हें पता आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज पता नहीं, सुबह से मेरे फोन पे बार बार कॉल्स आई जा रही थी, कॉल्स कर करके परेशान ही कर दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं अपनी वाइफ की? तुम्हारी वाइफ को कोई कॉल करके परेशान कर रहा है और तुम कह रहे हो क्या हो गया? तुम भी तो यही करती हो। मतलब ये, जब भी मैं घर में होता हूँ तो मेरे पास आ जाती हो। क्या पहनना है, नहीं पहनना, मैं क्या पहनूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। उसके बाद जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकलता हूं, तुम मुझे फ़ोन कर करके परेशान कर देती हो, हर समय सवाल पूछती रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं काम में फोकस भी नहीं कर पाता। और उसके बाद मैं क्या लूं, क्या खरीदूं, ये ड्रेस लूं, ना लूं। तुम्हें पता है तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से कई बार मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे टच में रहना चाहती हूँ हमेशा। तुम वाइफ हो मेरी और मैं तुम्हारा ही तो हूँ। इस तरह सिर्फ टच में रहने के लिए इतना अननेसेसरी कॉल्स करना क्या ठीक है? तुम्हें पता है ये एक ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। इस तरह से तुम मुझे भी खो दोगे। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सेस में करेंगे तो उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, शायद तुम्हारी वैल्यू करना भी छोड़ दूँगा। आई एम सॉरी अरुण, मैंने कभी ये सब रियलाइज ही नहीं किया। अब से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, ध्यान रखना। जोर से बोलो हैप्पी।